सीएम से नहीं बनी कर्मचारियों की बात, तो 2 मार्च से अब हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी, बातचीत कर इस मसले को सुलझाने की कोशिश, लेकिन कोई बात यहां पर मुलाकात के दौरान नहीं बन पाई, जिसके बाद अब 2 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। तो सीएम ने 29 फरवरी की रात को कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन कर्मचारियों और सीएम के बीच कोई बातचीत नहीं बन पाई, कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद कर्मचारी अपनी बात सीएम से कहकर लौट गए। तो जनरल ओबीसी संगठन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि हड़ताल होकर रहेगी, आरक्षण हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़कर रहेंगे, जिससे अब सरकार के आगे भी परेशानी खड़ी होगी। 3 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, बातचीत के जरिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं मसला सुलझ जाएगा, लेकिन अब पूरी तरह से कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में, 2 मार्च से हड़ताल पर कर्मचारी। अब बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरीके से कोशिश हो रही थी सरकार की तरफ से, पहले मदन कौशिक जो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की थी कर्मचारियों के बीच और उनको मनाने की कोशिश की, और कल रात में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कर्मचारियों को बुलाया था और लगभग 15 सदस्य कर्मचारी संगठन जो हैं वो सीएम से मिले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर तमाम कर्मचारियों से ये कहा था कि अभी 3 तारीख से विधानसभा सत्र है, ऐसे में कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो आरक्षण का मुद्दा है उनके लिए कोई सामाजिक मुद्दा है उनके लिए, वो उनका कहना है कि हमारी कोई लीगल वैसी मांग नहीं है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है आरक्षण खत्म होना चाहिए, प्रमोशन पर आरक्षण खत्म होना चाहिए और पदोन्नति जितनी भी है उन पर जो रोक लगी है उसको हटना चाहिए। तो अब ये लगभग तय हो चुका है कि कल जो आंदोलन होना था वो अनिश्चितकालीन हड़ताल का वो लगभग होकर रहेगा, और अभी तक कर्मचारी किसी भी बात पर ना सीएम की मानने को तैयार है ना किसी की, और उनका साफ तौर पर कहना है जब तक प्रमोशन पे लगी रोक नहीं हटेगी तब तक वो हड़ताल से बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल पंकज, और साफ तौर पर कर्मचारियों ने कर दिया है कि आरक्षण हमारे लिए सामाजिक मुद्दा और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़कर भी रहेंगे, और 2 मार्च की चेतावनी कहीं ना कहीं चुनौती भी सरकार के लिए रहेगी। लेकिन अगर कल की बातचीत की अगर बात की जाए तो बातचीत का जो पेज है वो कहां फंसा, आखिर जो कर्मचारी है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि क्यों उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है? कर्मचारियों को तो साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो पदोन्नति में जो रोक लगी हुई है उसको हटा दे, और सरकार इसलिए नहीं हटाना चाहती क्योंकि अब ये जो जिस तरीके से पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, ऐसे में अगर बीजेपी का कोई राज्य अगर पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर देता है तो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और बीजेपी को कई राज्यों में इस पर परेशानी हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री भी इस पर फैसला लेने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस पर कुछ कर पाएगी, लेकिन अब इन तमाम चीजों के होने के बावजूद चाहे सीएम ने बातचीत की, मंत्री ने बातचीत की, लेकिन अभी तक कर्मचारी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक सरकार ये फैसला वापस नहीं लेगी, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त नहीं करेगी और उसके साथ साथ प्रमोशन नहीं खोलेगी तब तक वो आंदोलन पर रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और 5 तारीख से तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति हो जाएगी।